नमस्कार दोस्तों, मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन जो आपके पेपर 3 का पार्ट है, संविधान के साथ आपका लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और एक नया टॉपिक होता है जो आपके प्रीलिम्स में नहीं होता है, ठीक है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जेम्स डब्ल्यू विल्सन ने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन है, यानी योजना बनाना और योजना को क्रियान्वित करना, यही क्या है लोक प्रशासन है। यह जनता भी है और यह नौकरशाही भी है। कहने का मतलब यह लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जहां लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। हम अपने सांसदों को, अपने विधायकों को अपने प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, अपने चुनाव के द्वारा चुनते हैं और यही है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, अपने प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों को चुनना ताकि वो शासन और प्रशासन में बैठकर नीति निर्माण कर सके, नीतियों को क्रियान्वित कर सके। और इसलिए जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद विधायक होते हैं लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में, ये आपके प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है कि नहीं। वैसे ही प्रशासन, प्र यानी विशेष, शासन यानी राज करना, शासन करना, सरकार चलाना। तो विशेष प्रकार से यदि हम सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं और कार्यपालिका के नीति क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं तो ये लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी में हम जिसको कह देते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, इसको एक विचारक हुए, लोक प्रशासन का क्षेत्र, इसको एक विचारक हुए जिनका नाम था लूथर गुलिक। तो याद रखेंगे, लूथर गुलिक नाम था, उन्होंने इसका क्षेत्र, इसका स्कोप बताते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण विचारधारा दी और इस विचारधारा को हम कह देते हैं पॉज्ड कॉर्ब दृष्टिकोण या पॉज्ड कॉर्ब अप्रोच ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है। तो ये जो पॉज्ड कॉर्ब अप्रोच है, ये किस प्रकार की अप्रोच है आप देखेंगे, तो पी से यहां पे आपका आएगा प्लानिंग, पी से प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग यानी योजना बनाना, प्लानिंग यानी योजना बनाना। देखिए कोई भी लोक प्रशासन जो होता है या कोई भी एक कार्यालय की हम बात करें तो सबसे पहले वहां एक व्यापक ढांचा तैयार होता है, व्यापक ढांचा तैयार होता है कि भाई इस ढांचे में हमको, इस व्यापक ढांचे के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या करना है, काम करना है। और फिर लक्ष्यों का निर्धारण होता है कि भाई जो प्लानिंग हो रही है वो किसके लिए है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो लक्ष्यों का क्या होता है, निर्धारण होता है और फिर इसके बाद इनका क्रियान्वयन होता है, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग के अंदर व्यापक ढांचा किस प्रकार का होगा, लक्ष्य किस प्रकार के तय किए जाएंगे, क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, ये तय किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी संस्था का एक व्यापक ढांचा है, तो हमारी संस्था का क्या लक्ष्य है कि विद्यार्थियों के हित के लिए काम करना। तो ये जो सारे कार्य हो रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, फ्री यूट्यूब कोर्स हमने चलाया या फिर करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चलाते हैं, ये किसके लिए है, ये व्यापक ढांचा है हमारा, जो वो लक्ष्य है, जो एक ही लक्ष्य है वो है विद्यार्थियों के हित के लिए काम करना, और इसके लिए ये सारे नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना, दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजिंग। तो ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का कहने का मतलब है संगठित करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है संगठित करना। तो किस प्रकार से इस व्यापक ढांचे को अब एक औपचारिक ढांचे के रूप में एक फॉर्मल रूप दिया जाएगा, क्योंकि देखिए औपचारिक ढांचा देना जरूरी है, एक डिसिप्लिन होना जरूरी है, एक प्रकार से औपचारिकता जरूरी है कि एक ढांचा तैयार हो जाए,
एक व्यापक ढांचा तैयार हो गया जो हमने योजना में तैयार कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज कर लिया प्रॉपरली कि ये हायरार्की रहेगी, ये एक औपचारिक ढांचा है, इस औपचारिक ढांचे के अनुसार कार्यक्रम होगा, डिसिप्लिन में होगा, व्यवस्थित तरीके से होगा। तो इस औपचारिक ढांचे को बनाना, इस व्यापक ढांचे को एक औपचारिक रूप देना, इस व्यापक ढांचे को एक औपचारिक रूप देना और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक औपचारिक रूप में ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्गेनाइजेशन है या संगठित करना है। क्लियर है कि नहीं? तो प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। इसके बाद आता है एस फॉर स्टाफिंग। एस फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब है कि कर्मचारियों से संबंधित। तो कर्मचारियों से संबंधित अब क्या क्या चीजें रहेंगी? देखिए, आज के समय में यदि किसी भी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। यानी हम मेक इन इंडिया की बात करें, स्किल इंडिया की बात करें, स्किल देने की बात कर रहे हैं। जिसके पास में स्किल है उसके पास काम की कमी नहीं है, ठीक है? तो यहां पर इसको पहले तो भर्ती करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, ठीक है, कर्मचारियों की भर्ती करना, स्टाफ की भर्ती करना, साथ ही साथ इनको फिर प्रशिक्षित करना है, और प्रशिक्षित करके इनको क्या देना है? प्रशिक्षित करके इनका कौशल विकास करना है। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। एक तो पर्टिकुलर स्किल होगी तभी उनकी भर्ती होगी। अब जब वो भर्ती हो गए तो उसके बाद उनके संस्था के व्यापक लक्ष्यों को के तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है कि हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर क्या करना है? ध्यान देना है, और इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को भर्ती करना, प्रशिक्षित करना, और साथ ही साथ कार्य के लिए ऐसा वातावरण निर्मित करना जो प्रगतिशील वातावरण हो, जो उनको प्रेरित करे, जो उनको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए और उस काम को पूरा करने के लिए। तो ये हो गई आपकी स्टाफिंग। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है सबसे बड़ा प्रबंधन, ठीक है? तो प्रबंधन या मैनेजमेंट क्या करता है? डायरेक्शन देता है। तो फिर डी फॉर क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्शन। तो प्रबंधन क्या करता है आपका? डायरेक्शन देता है। देखिए, यदि किसी भी संस्था की हम बात करें तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में आपका प्रबंधन होगा, ठीक है? और प्रबंधन के नीचे आप देखेंगे तो लिपिकीय डिपार्टमेंट होगा, जिसको हम क्लेरिकल डिपार्टमेंट कह देते हैं, क्लेरिकल डिपार्टमेंट कह देते हैं। साथ ही साथ में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट लीड करता है, ठीक है? और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी दस्ती कार्यों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी दस्ती कार्यों के लिए एक विभाग होगा। एक जो महत्वपूर्ण विभाग है वो कौन सा है आपका? लिपिकीय विभाग। और इनको, इन सारी चीजों को एक तकनीक के रूप में, टेक्निकल डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, तो मुख्य रूप से एक तकनीकी विभाग होता है, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो ये तीनों डिपार्टमेंट जो हैं प्रबंधन के नीचे काम करते हैं, तकनीकी विभाग, क्लेरिकल विभाग और डॉक्यूमेंटेशन विभाग। क्लियर? तो यहां पर जो लिपिकीय विभाग होता है उसकी भूमिका 90% होती है, क्योंकि सारे लिपिकीय काम, सारे क्लेरिकल काम यहीं से होते हैं। और एक बड़े महान विद्वान ने कहा कि जो 90% काम है वो बाबू या क्लर्क करता है, और उसको ओके कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लिपिकीय डिपार्टमेंट या क्लेरिकल डिपार्टमेंट, और साथ में इसको असिस्ट करते हैं तकनीकी विभाग और दस्ती विभाग। तो ये प्रबंधन क्या करता है कि भाई जो भी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की जा रही है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन तीनों विभागों को, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे क्लेरिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, उसको ये प्रबंधन मैनेजमेंट करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, निर्देशित करने का काम करता है कि भाई औपचारिक ढांचा जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसके अंतर्गत इनको डायरेक्ट करेगा, इनको निर्देशित करेगा, ठीक है ना? लेकिन जब तक इन सब डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या नहीं होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में समन्वय स्थापित नहीं होगा, तब तक ये उस दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन को या समन्वय को सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में इन इस समन्वय को व्यवस्थित करना और कार्यों को समायोजित करना, तो एक व्यवस्थित रूप से और कार्यों का समायोजन और कार्यों का बटांगन कि भाई तकनीकी विभाग का अपना काम है, लिपिकीय विभाग का अपना काम है, डॉक्यूमेंटेशन के विभाग का अपना काम है, और ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जैसे हम अपने संस्थान की बात करें तो टेक्निकल टीम हमारी, वीडियो एडिटिंग टीम शानदार तरीके से काम करती है, और जो क्लेरिकल डिपार्टमेंट है, जो कंटेंट की टीम है हमारी, वो काम करती है, और एक डॉक्यूमेंटेशन विभाग है जो पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जो आपके लिए नोट्स तैयार करता है। अब आपस में यदि इन डिपार्टमेंट्स के बीच में समन्वय नहीं होगा,
आप तक अच्छे नोट्स नहीं पहुंच पाएंगे, आप तक अपडेटेड वीडियोस नहीं पहुंच पाएंगे, आप तक शानदार कंटेंट नहीं पहुंच पाएगा। ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, आपस में समायोजित करके काम करते हैं और एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हैं, ताकि एक औपचारिक ढांचा जो हमारे द्वारा बनाया गया है वो औपचारिक ढांचों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से काम हो सके। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई देती है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, प्लानिंग तो कर ली, लेकिन यदि सभी स्टाफ के बीच में, सभी डिपार्टमेंट के बीच में जिनको प्रबंधन डायरेक्शन दे रहा है, निर्देशित कर रहा है, यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और अब जब हम बात करते हैं अपनी संसदीय सरकार की, तो जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री बनते हैं वही नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं, तो यह प्रशासन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रशासन। तो कार्यपालिका, कार्यपालिका या मंत्री परिषद या प्रशासन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सांसदों या विधायकों के प्रति। यानी मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा विधानसभा में, लोकसभा में, तो कुल मिला के उनकी जवाबदेही तय की जा रही है कि भाई आपको यह कार्य दिया गया है तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, आपकी जवाबदेही, आपकी आंसरेबिलिटी मांगी जाएगी। इसलिए संविधान में के ये प्रावधान भी है कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जो है तारांकित अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक, प्रश्नकाल होता है और उस प्रश्नकाल में जवाबदेही तय की जाती है। साथ साथ सरकार के खिलाफ यदि जो जनता है, जिसके जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं सांसद या विधायक बनकर, वो अविश्वास प्रस्ताव भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये एक प्रकार की जवाबदेही होगी। वैसे ही लोक प्रशासन में भी भाई मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के प्रति ये सब के सब जिम्मेदार हैं। तकनीकी विभाग, लिपिक विभाग, डॉक्यूमेंटेशन का जो विभाग, ये सारे जितने विभाग हैं ये सब के सब प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी हैं, और प्रबंधन बेसिकली लोक प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है, और लोक प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो कुल मिलाकर के जो लक्ष्य पूरा होना चाहिए वही सबका फोकस, एम होता है, और इसके लिए रिपोर्टिंग समय समय पर होती है अलग अलग विभागों की। तो अलग अलग विभागों के द्वारा रिपोर्ट पेश करना और फिर इस रिपोर्ट पर शोध और जांच करने का काम, यानी क्वालिटी चेक करने का काम कौन करता है? आपका प्रबंधन करता है कि भाई इसकी क्वालिटी को चेक किया जाए कि ये वाकई में लक्ष्य को प्राप्त करने लायक है या नहीं है। क्लियर है? अब लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, वित्तीय प्रशासन, यानी कुल मिलाकर के बजट लगेगा। इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो एक बड़ा बजट लगेगा, तो वित्तीय समायोजन करना या वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ये किसका काम है? ये भी मैनेजमेंट का काम है। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट इसके लिए क्या बनाता है? बजट तैयार करता है, उस बजट को ही हम कहते हैं वित्तीय प्रशासन, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो जिन प्रकार के जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो समय में पूरे हो रहे हैं कि नहीं, और उनको समय में पूरा करने के लिए एक निश्चित बजट लगेगा, एक निश्चित मात्रा लगेगी, एक निश्चित अमाउंट लगेगा, वो अमाउंट निर्धारित किया जाता है। तो ये देखिए, जो लूथर गुलिक जी थे उन्होंने कहा कि ये लोक प्रशासन का क्षेत्र है और ये सात तत्व ही मिलकर के बनाते हैं लोक प्रशासन, बनाते हैं पॉज्ड कॉर्ब, इसको कहा गया पॉज्ड कॉर्ब क्षेत्र। हालांकि कई लोक प्रशासक आए और आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे और विद्वान हुए जिन्होंने लोक प्रशासन के विषय में खूब सारी अवधारणाएं दी हैं, जिनको हम अपनी मेंस की क्लास में आपके साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।